हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं अमन अली ऑफिशियल चैनल से सपने हजार ऑफिशियल सॉन्ग, रियाज प्रेमी एंड ब्यूटी सिंह राजपूत, नीतीश राज, अमन अली ऑफिशियल। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और रियाज प्रेमी जी का ये गाना है ना, देखते हैं सॉन्ग कैसा है और ओवरऑल हर किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है? लेकिन पहले सॉन्ग एंजॉय करते हैं और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपने हजार अब उनके हुए हैं अपने हजार, जिंदगी का लगा है यहाँ बस बाजार, आओ मिलके खरीदे दिल के टुकड़े हजार। जो कभी एक्टिंग फैन में है, ये एक्टिंग फैन चैनल में काफी बार एक्टिंग की है इन्होंने, देखी है अपने सो सुन दिया। जिंदगी का लगा है यहाँ बस बाजार, आओ मिलके खरीद दिल के टुकड़े हजार। शिकवाना कोई गिला, फिर भी देखो मुझे आखिर क्या है मिला, जिंदगी के यही है ये सारे खेल, जिंदगी के यही है ये सारे खेल, जिनमें हमको फंसा कर रचाए कई खेल, जो कभी हम अपने हजार अब उनके हुए हैं अपने हजार, जिंदगी का लगा है यहाँ बस बाजार, आओ मिलके खरीदे दिल के टुकड़े हजार। बस यहाँ तो चले बेवफा का सिला, ना कोई भी वफा करने वाला यहाँ, बस यहाँ तो चले बेवफा का सिला, जिनमें ठोकर है खाए, जिनमें ठोकर है खाए और लगाए मजार, और उनके लिए करें दुआएं हजार। जो कभी हमने देखे थे सपने हजार अब उनके हुए हैं अपने हजार, जिंदगी का लगा है यहाँ बस बाजार, आओ मिलके खरीदे दिल के टुकड़े हजार। जो कभी हमने देखे थे सपने हजार अब उनके हुए हैं अपने हजार, जिंदगी का लगा है यहाँ बस बाजार, आओ मिलके खरीदे दिल के टुकड़े हजार। ओह माय गॉड यार, व्हाट अ सॉन्ग। मैं ऐसे इमोशनल सॉन्ग जब भी देखती हूँ ना, मैं सच में मैं उसे दिल से फील करती हूँ यार, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ सीरियसली। कूल डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, इट्स जस्ट अ सॉन्ग। ओह माय गॉड। सो यार, मतलब आवाज़, पहली बात तो सिंगर की जो आवाज़ है, ओ माय गॉड, दैट्स सो हार्ट टचिंग। एकदम दिल पे चोट करने वाली जो आवाज़ होती है ना, कि
बिल्कुल ऐसा लगे जैसे दिल से बिल्कुल गाया जा रहा है, एकदम उस दिल में बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है उससे गाया जा रहा है, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी, है ना। लाइक आप लोग अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनते होंगे, गर्लफ्रेंड ना भी हो बॉयफ्रेंड ना भी हो तब भी रोंदू बन जाते होंगे ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मतलब जब उनके गाने सुनो तो आंखों में आंसू अपने आप ही आ जाते हैं, है ना। लिटरली वही फीलिंग मुझे यहाँ भी आ रही थी, है ना। सॉन्ग के एक तो सिंगर ही इज़ टू गुड यार, बहुत ही अच्छी आवाज़ है, एंड विदाउट ऑटो ट्यून ऐसा सॉन्ग गाना, है ना। और अगर ऑटो ट्यून है भी तो बहुत कम है, वो चुभने वाली ऑटो ट्यून नहीं है कि आ करके आवाज़ निकल रही हो, है ना, वो वाली नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड माइल्ड आवाज़ है, बहुत प्यारी है, है ना। और ऊपर वाले का शुक्र है कि इतनी अच्छी आवाज़ से नवाजा है इन्हें। और दूसरी बात भाई, एक्टिंग टू गुड, मतलब सॉन्ग में एक आशिक की एक्टिंग कैसे करनी है रियाज़ प्रेमी जी परफेक्टली जानते हैं, है ना। तो वो एक सैड देवदास टाइप एक्टर, है ना, देवदास टाइप जो कैरेक्टर है वो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया है। दूसरी बात, जैसे कि अगर आप की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, है ना, छोड़कर जा रहा है किसी और से, उसको शादी करनी है, तो समझ जाओ भाई कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर है, है ना। या तो फैमिली की तरफ से दिक्कत है, या तो मन की फीलिंग्स जो होती हैं वो आपका साथ नहीं देती कभी कभी, है ना। कभी कभी आपको लगता है यार नहीं बंध से जाएंगे हम, है ना, बंधे हुए से फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि मूव ऑन कर लो, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये चीज़ रहती कि भाई सामने वाला वो इतनी ज़्यादा पीड़ा में है, इतनी ज़्यादा पीड़ा में है कि हाँ उसके लिए जीना ही मुश्किल है, है ना। और वो सीन जो दरगाह पर आकर उसके बाद फूल चढ़ाने वाला, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था यार, बहुत सुंदर लगा। और ब्यूटी सिंह, इन्हें हमने हैशटैग एक्टिंग फैन के चैनल पर भी देखा है ना, कई सारी अच्छी अच्छी वीडियोस में इन्होंने एक्ट किया है, तो ऑब्वियसली यार शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस। सो माइंड ब्लोइंग सॉन्ग था, आई लव दिस सॉन्ग, क्वालिटी ओ माय A1। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।